चलिए आज हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। आपने स्केलर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो जानते हैं। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, जैसे मास, मैंने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी है, एक मास है m1 4 kg और m2 भी है 4 kg, तो नेट कितना होगा? m1 प्लस मैं m2 आपसे पूछूं कि टोटल कितना होगा, तो आंसर होगा सर 8 kg होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इनका सम तो 8 kg ही होगा। बट मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक पार्टिकल है जिसपे एक फोर्स ऐसा लग रहा है एंड दिस इज ऑफ 4 newton एंड नेम f1। सेकेंड इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन f2, दिस इज ऑल्सो ऑफ 4 newton। आपसे पूछता हूं टोटल कितना होगा, तो आंसर है कि जो f नेट होगा वो f1 प्लस f2 और आंसर है 8 newton होगा। ठीक है, बट अगर मैं ऐसा लिखता कि लेफ्ट टू राइट f1 है और राइट टू लेफ्ट, अभी आपने सीखे कि वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, सो यहां पे f2 4 newton और f1 जो ऐसा मैंने लिखा था 4 newton, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इस केस में आपसे पूछा जाए अगर इन दोनों का सम किया जाएगा, वेक्टर एडिशन किया जाएगा, तो नेट कितना होगा? तो इस बार कितना होगा, f1 माइनस f2 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा कितना बताओ, 4 माइनस 4 कितना होगा, 0। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि स्केलर में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे ऐड किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो जो वैल्यू होगा वो एक ही वैल्यू होगा, एक ही आंसर होगा 8। जैसे m1 4 और m2 भी 4 है, तो आंसर 8 होगा, 8 kg होगा। बट किसी पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रहा है और वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब तो नेट इन दोनों का सम होगा। बट वही अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन आप समझ रहे ना, वन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सेकंड इज राइट टू लेफ्ट, सो दिस इज अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो इस पार्टिकल पे जो इफेक्ट होगा वो 0 होगा। फिर आप बोलेंगे सर मैं नहीं समझा 0 होगा इफेक्ट का क्या मतलब है। आप ऐसा समझ लो कि दो बॉयज हैं, वन इज पुशिंग फ्रॉम अपर एन ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड सेकेंड इज राइट टू लेफ्ट, बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सो देयर इज नो मूवमेंट प्रोड्यूस इन द पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस पर जो फोर्स का इफेक्ट है वो 0 है। अभी इसका डिटेल आपके सामने रखूंगा जब आप ये तरीके सीख जाएंगे कि कैसे ऐड किया जाता है। मीन्स मैं बताना ये चाह रहा था कि स्केलर में अगर जो सम करेंगे, स्केलर का सम करेंगे, तो जो जैसा आपने अलजेब्रा में सीखे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, बट वेक्टर सम स्केलर से अलग है। इसमें एक ही आंसर है कि 4 और 4 8 ही होगा, बट अगर वेक्टर क्वांटिटी होते तो ये 4 और 4 0 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं और इनके बीच में भी हो सकते हैं। बीच में कैसे होंगे कि अगर एंगल ये सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन के लिए सेम, ये ऑपोजिट और कोई और डायरेक्शन हो इनके बीच में, कोई और एंगल हो, ऐसा ये हो जाएगा एफ वन एफ टू और इनके बीच में एंगल कुछ और हो, ना 0 हो और ना ही 180 degree हो। यहां पर पूछा जाए तो एंगल कितना है, तो आंसर है 0 degree और यहां पर एंगल कितना है, तो आंसर है 180 degree और यहां पर ठीक है एंगल अपोजिट में 180 degree होता है, सेम में 0 degree होता है और यहां पर कुछ और है एंगल। तो वैसे केसेस में जो आंसर होंगे वो अलग अलग होंगे।
मीन्स वेक्टर में जो उनका सम है वेक्टर का, वो डिपेंड करेगा कि उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है। स्केलर में ऐसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, तो अब सीखते हैं कि ये कैसे हो जाता है। तो इसके लिए हमें वेक्टर एडिशन सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि वेक्टर एडिशन कैसे होगा। इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं। मैं बस आपको ये समझाने जा रहा हूं कि ये 4 और 4 8 भी हो सकता है, और 4 और 4 0 भी हो सकता है, और 4 0 और 8 के बीच में भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि इनके बीच में एंगल क्या है। कैसे वो अभी देखो। तो इसे सीखने से पहले थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा, और मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको सिखाया गया था कि वेक्टर को हम एक एरो से प्रेजेंट करते हैं। एरो में एक पार्ट को टेल बोला जाता है और एक को हेड बोलते हैं। ठीक है, और लेंथ को इसका मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन डायरेक्शन होती है। ठीक है, ऐसा मैंने बताया था। अब आइए सीखते हैं कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे। ठीक है ना, मैंने यहां लिखा कोई वेक्टर ऐसा है, यह है एक फोर्स है F1 = 3 न्यूटन, और एक वेक्टर इसी प्लेन में है वो ऐसा है, एंड दिस इज 4 न्यूटन, नेम इज F2। टू वेक्टर्स, वन इज F1 एंड सेकेंड इज F2। और मैं आपको अभी हिंट के लिए बताता हूं कि F1 डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड F2 डायरेक्टेड टुवर्ड्स वाई एक्सिस। ओके, ग्राफिकली दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तो आंसर है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड, ये हेड है फर्स्ट वेक्टर का, इसे मैंने नाम दिया F1 इज द फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द सेकंड वेक्टर। आप अपनी मर्जी से किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड बना सकते हैं। तो अगर मैंने F1 को फर्स्ट वेक्टर लिखा हूं, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया फर्स्ट वेक्टर, एंड दिस इज 4 सेकंड वेक्टर। तो दो वेक्टर को ग्राफिकली ऐड कैसे किया जाता है। तो आंसर है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर देखिए, इसमें ध्यान रखना है, मैंने 3 न्यूटन, मैं सोचो कि 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन बोला हूं, तो 1 2 3 यहां पर इसी तरह से ये हो जाएगा लगभग 4 सेंटीमीटर का लेंथ, लगभग क्या 4 सेंटीमीटर का लेंथ है। मैंने लेंथ को एज्यूम कर रहा हूं कि मैग्नीट्यूड जो लेंथ है इस एरो का वो मैग्नीट्यूड शो करेगा। तो मैंने यहां पर एज्यूम किया हूं कि 1 सेंटीमीटर का लेंथ 1 न्यूटन शो कर रहा है, तो 3 सेंटीमीटर लेंथ 3 न्यूटन, 4 सेंटीमीटर लेंथ 4 न्यूटन। आइए, अब तरीका है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर का टेल रखिए, और कैसे रखना है ये इंपॉर्टेंट है। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने में वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता। अगर आप इसकी लेंथ चेंज नहीं कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, और अगर इसकी आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। मींस आप याद रखेंगे कि किसी वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, और पैरेलल शिफ्ट करने में वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आप इस चीज को अपने कॉपी पे लिखेंगे। चलिए, अब मैं इसे
इसे शिफ्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसे उठाया और यहां पे ऐसे रख दिया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। दिस इज एफ टू, कितना है 4, और ये है एफ वन और ये है 3। एंगल क्या है, मैंने बोला था कि टुवर्ड्स एक्स, मैं लिख भी देता हूं यहां पे टुवर्ड्स एक्स एंड दिस इज टुवर्ड्स वाई, ये दिया रहेगा, इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब पूछा जाए कि जब ऐसा होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो आंसर है कि फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन करो, ये जो वेक्टर बना दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी एफ नेट भी बोल सकते हैं इसको, चाहे तो आर से लिखो रिजल्टेंट। आपसे पूछा जाएगा कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आंसर है कि अब आप इसको स्केल से मेजर कर लो, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा तो एंगल निकाल लो, फर्स्ट के साथ एंगल कितना है, ठीक है ना। क्या मैंने बताया ग्राफिकली वेक्टर को ऐड क्या इससे किया जाता है, तो आंसर है कि अगर दो वेक्टर है आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो किसी एक को फर्स्ट ले लो दूसरे को सेकेंड ले लो, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड का टेल रखो और फर्स्ट के टेल से लास्ट के या सेकेंड के हेड को ज्वाइन कर दो, तो ये जो वेक्टर होगा है ना एरो ऐसा बनेगा फर्स्ट के टेल से टुवर्ड्स द हेड ऑफ सेकेंड या लास्ट, तो ये जो एरो दिखा रहा है वो डायरेक्शन और ये जो एरो की लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बोले तो एंगल बताना है, आप बता दो कि फर्स्ट के साथ कितना एंगल के साथ है। सर इससे मैं क्या समझा, आप ये समझे कि अगर कोई पार्टिकल होता है जिस पे एक फोर्स ऐसा लगता और दूसरा ऐसा लगता, मैं इसी को ऐसे ही बना सकता हूं, पैरेलल शिफ्ट करना है ना ऐसे, खैर अभी आएंगे, मैं तो इसी के अकॉर्डिंग लिखता हूं, तो उस केस में पार्टिकल कैसे मूव करेगा, तो आंसर है अब आप सोच के बताओ, मैं एक ऐसे धक्का दे रहा हूं पार्टिकल पे और दूसरा ऐसे धक्का दे रहा हूं, पार्टिकल किधर मूव करेगा, थोड़ा सा सोचो तभी आपके माइंड में सेट हो जाएगा, एक मैं लेफ्ट टू राइट दूसरा वर्टिकली अप बोर्ड के प्लेन में, पार्टिकल किधर जाएगा, तो आंसर है कुछ ऐसे चला जाएगा, बीच से जाएगा ना, आप करके देखना, मैंने एक लेफ्ट टू राइट धक्का दे रहे हैं दूसरा सिमल्टेनियसली सेम टाइम पे ऊपर की तरफ दे रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा, देखो ना इसके पैरेलल गया, ठीक है इस चीज को आप ध्यान देंगे, तो ये आपको मैग्नीट्यूड दिखाएगा, ठीक है सर यहां तक तो मैं समझ गया कि कैसे दो वेक्टर को सम करेंगे। सर तीन होता तो क्या करते, तीन के लिए भी बताता हूं, अगर तीन हो चार हो पांच हो छह हो दस हो कोई बात नहीं, आप क्या करो, मैं अभी तीन के लिए करता हूं, एक वेक्टर ऐसा हो दूसरा ऐसा है और तीसरा ऐसा है, सर हमें इसे ऐड करना है, इसे हम ऐड करके बता दीजिए मैं समझ जाऊंगा, और ठीक है नाम देते हैं एफ वन एफ टू और एफ थ्री। करते क्या है कि किसी एक को रेफरेंस ले लो, चलो ये हमने कुछ ऐसा बना लिया कि एक्स है, ये एक्स के साथ कुछ एंगल हो गया, ये कुछ और एंगल हो गया, देखो ना। अब करना क्या होता है कि आप पहला वेक्टर रखो एफ वन को फर्स्ट ले लो, फर्स्ट रखो इसके ऊपर सेकेंड को पैरेलल रखना है ऐसे, सेकेंड हो गया, थर्ड को फिर से पैरेलल इसको ऐसे सेट करो, हाँ तीन वेक्टर हो गया फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। अब क्या करें तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन कर दो, तो ये जो वेक्टर बनेगा ये तुम्हारा रिजल्टेंट होगा, आप ऐसे ही बना सकते हैं इसे, फर्स्ट के साथ क्या एंगल है आप प्रोटेक्टर से मेजर कर लो, मैग्नीट्यूड क्या होगी
तो स्केल से इसका लेंथ मेजर कर लो। आप पहले एज्यूम कर लेना कि कितने को आप यूनिट ले रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो ग्राफिकल मेथड से वेक्टर को ऐड करने का तरीका होगा। बट हाँ, इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है कि आपको हो सकता है, आपने पढ़े थे इसके पहले कि मेजरमेंट में एरर आ जाता है, आप स्केल लगाएं या एंगल बनाएं उसमें थोड़ी अगर जो दिक्कत हो गई तो रिजल्टेंट पे इफेक्ट होगा, आपका आंसर अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप अगर जो थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आपका आंसर रिजल्टेंट गलत हो जाएगा। बट फिर क्या करें, तो इसके लिए एक और तरीका हमने ढूंढ रखे हैं। वो क्या तरीका है कि कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले अवेलेबल हैं और कुछ लॉ है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये एनालिटिकली फॉर्मूला है और एनालिटिकल मेथड है जिससे भी आप वेक्टर को सम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको हो सकता है कि लेंथ मेजर करके रिजल्टेंट बनाने में, डायरेक्शन मेजर करने में दिक्कत हो, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करना है उसमें भी दिक्कत हो, ठीक है ना। तो आइए सीखते हैं कि क्या एनालिटिकल मेथड है। ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया, यानी किसी भी वेक्टर को ऐड करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 10,000 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट के टेल पे सेकेंड का हेड, फर्स्ट के हेड पे सेकेंड का टेल, सेकेंड के टेल पे थर्ड का हेड, सेकेंड के हेड पे थर्ड का टेल, और फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन कर दो। सुनना, फर्स्ट का हेड पे क्या रखना है, सेकेंड का टेल, सेकेंड का हेड थर्ड का टेल, इतना हो गया। अब रिजल्टेंट बनाइए, रिजल्टेंट जो फर्स्ट का टेल है उसको ज्वाइन करो लास्ट के हेड से, तो ये डायरेक्शन रिजल्टेंट का और ये एंगल रिजल्टेंट का विद फर्स्ट, ठीक है ना। तो इस तरीका से वेक्टर को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो आइए अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पेपर में वही आएगा, बट हां आपको कॉन्सेप्ट ये जानना जरूरी है, ठीक है। एक और चीज, छोटी सी बात और भी मैं आपको बता दूं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं। मिटा दूं इसे मैं, आप आराम से जो भी चीजें मैंने बोले हैं उसे कॉपी में लिखना। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो आंसर है, देखो सर, एक वेक्टर ऐसा हो और एक वेक्टर ऐसा है, वेक्टर वन वेक्टर टू, दोनों का जो टेल है वो एक ही जगह है। तो पूछा जाए कि एंगल कितना होगा, तो इस केस में अगर जो एंगल 30 डिग्री है तो आंसर होगा कि वेक्टर एफ वन और एफ टू के बीच में एंगल बिटवीन एफ वन एंड एफ टू इज 30 डिग्री। अगर दोनों का टेल एक जगह हो या दोनों का हेड एक जगह हो, एक ही पॉइंट पे हो, यहां पूछा जाए कि थीटा एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन एफ वन एंड एफ टू, तो आंसर है 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर दोनों आउटगोइंग हो या इनकमिंग हो तो इस केस में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर,
बट एक ऐसा है, एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा ऐसा है, दिस इज एफ वन एंड दिस इज एफ टू, यहां एंगल है 120 डिग्री, तो एफ वन और एफ टू के बीच में एंगल कितना होगा? यहां देखिए, इस पॉइंट पे जहां पे आपको एंगल फाइंड करना है, एफ वन एच इनकमिंग ये आ रही है और एफ टू एच आउट गोइंग ये यहां से जा रही है, यानी कि एक का यहां पे हेड है फर्स्ट का, दूसरे का टेल है, तो ऐसे केस में आप एंगल नहीं बताएंगे, क्या करें इसके लिए? तो वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, अभी आपने जाना, और जो एंगल जब भी देंगे तो या तो दोनों का हेड एक जगह हो या दोनों का टेल एक जगह हो, एक ही पॉइंट पे, एक जगह का मतलब एक ही पॉइंट पे। तो क्या करें, एफ वन को जो आपने ऐसे बनाए हैं, चलो ऐसा कर लो, आपने एफ को ऐसा बनाया था, एफ वन को जो यहां पर था आप इसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते थे, यहां कर दो, आगे कर दो इसे, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता। अब इस केस में एंगल क्या होगा, तो जब ये एंगल 120 था तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो आप बोलेंगे कि F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है, आंसर होगा 60 डिग्री। हियर एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज 60 डिग्री। समझना मैं क्या बताना चाहता हूं, दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है तो आपको पहले यह सीखना होगा कि कैसे दोनों को आप एक ही पॉइंट पे या तो आउटगोइंग बना दो या इनकमिंग बना दो, और उसके लिए लॉजिक है कि वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी वो एक ही पॉइंट से आउटगोइंग हो या एक ही पॉइंट पे इनकमिंग हो तो वैसे केस में एंगल बताना आसान है, इनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो एंगल हो जाएगा। तो जैसा कि F1 F2 के बीच में अभी एंगल था 30 डिग्री, दूसरे में कितना है 60 डिग्री, बट अगर एक पॉइंट पे ये एक वेक्टर इनकमिंग है दूसरा आउटगोइंग है तो यहां जो एंगल मैंने बनाए हैं वो इस वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, तो क्या करें सर, किसी एक को पैरेलल शिफ्ट कर दो, ऐसा शिफ्ट करो कि वो उस पॉइंट पे दोनों या तो आउटगोइंग हो जाए या इनकमिंग हो जाए। तो यहां मैंने बनाया कि दोनों को आउटगोइंग बना दिया। सर ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि आप इसे पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये मैंने ऐसा बना दिया। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ, ये लाइन हो गया, तो एक लाइन पे जो दो एंगल बन रहा है या तीन एंगल जितना भी बने उनका सम 180 डिग्री होता है, तो यहां दो एंगल बन रहा है, वन इज 120, तो सेकंड कितना होगा 60 डिग्री, यहां पर एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज 60 डिग्री। इस चीज को प्लीज ध्यान रखें क्योंकि वेक्टर एडिशन में एंगल का बहुत बड़ा रोल होगा, तो आपको एंगल तो आना ही चाहिए, ठीक है? तो चलिए अभी आप ये सीख लिए कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे। मैं रफ कर दूं, चलिए बहुत टाइम लग गया बट प्लीज आप समझिएगा मेरी बातों को, मैं आपको क्या भी बताने जा रहा था और क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे एक वेक्टर ऐसा होता है F1 और दूसरा होता ऐसे, ये दोनों क्या है एक ही पॉइंट से क्या है आउटगोइंग है, एक ही पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहा है तो आउटगोइंग हो गया। तो इस केस में ये जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर, अगर जो 120 डिग्री है तो दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। बट यही चीज ऐसा होता और कोई यहां लिख देता कभी कि ये है 120 डिग्री, तो क्या ये वेक्टर के बीच का एंगल है, एफ वन और एफ टू के बीच का एंगल है? तो नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या 120 है तो आंसर होगा नहीं। तो क्या होगा, तो आंसर है कि आप एक को पैरेलल शिफ्ट कर दो,
क्या बन गया ये? अब ये नहीं होके वेक्टर को मैंने पैरेलल सेक्टर के ऐसा बना, तो यहां जो एंगल होगा ये एफ टू है, यहां कितना हो जाएगा बताओ? एक लाइन ये बन गया तो ये 120, तो ये 60 डिग्री। तो यहां पर जो एंगल है इसको भी थीटा लिख दिया, तो इसको अलग कर दो ना, थोड़ा थीटा वन कर देते। एंगल बिटवीन एफ वन एंड एफ टू, एफ वन एंड एफ टू इज इक्वल टू 60। कैसे किया आप समझ गए? क्योंकि सर अभी ये जो पॉइंट है उस पे एक वेक्टर तो इनकमिंग है बट दूसरा आउटगोइंग है, तो यहां जो इंक्लिनेशन प्रोड्यूस हुआ है दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। तो क्या करें, हमें पैरेलल शिफ्ट करना है, तो इसको ऐसे उठाओ और यहां रख दो। अब दोनों यहां से क्या होगा, आउटगोइंग हो गया। तो इस केस में जो इंक्लिनेशन प्रोड्यूस हुई है ये वाला पार्ट, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एफ वन एंड एफ टू, ठीक है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे, इतना मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको सिखाता हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। आइए इसको स्टॉप करते हैं, दूसरे वाले वीडियो देखिएगा।